आम आदमी पार्टी वालों ऐसी स्कॉलरशिप घोटाले मामले में लैके भुख हड़ताल शुरू की गई थी। लुधियाना के वड्डा मंच बनाया गया जिथे ना सिर्फ पंजाब की लीडरशिप सगो दिल्ली तो भी लीडरशिप पहुंची, जिसनों मनिया जा रहा है कि 2022 विधानसभा चोणों लिए आम आदमी पार्टी ने अपना जोड़ा विगुल है वह लुधियाना तो ही बजाया है। दस दिए कि बीते दिन पंजाब सरकार वालों 40% ऐसी स्कॉलरशिप की राशि जी जारी कर दी गई है, जिसका क्रेडिट हूँ आम आदमी पार्टी अपने सिर बंध रही है। उन्होंने कहना है कि आम आदमी पार्टी वालों जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका नतीजा निकलिया है, जिस करके यह सूबा सरकार को मजबूर होकर राशि जारी करनी पई है। उतें ही हूँ भगवंत मान जी जो सवाल किया गया कि हूँ जो धरना प्रदर्शन वो कदों तक चलेगा, तो उन्होंने कहा है कि यह धरना प्रदर्शन जरा लगातार जारी रहेगा जदों तक कच्चे अध्यापकों को पक्का नहीं किया जाता, सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता, जिन्हें भी मजलूम है उन्होंने उन्होंने हक नहीं मिलता उदों तक आम आदमी पार्टी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। उतें ही उन्होंने जो दो विधायकों के बेटियां नूं नौकरी दी गई है, नाल ही जो लुधियाना के विधायक रितेश पांडे उन्होंने बेटे नूं जो तहसीलदार लाया गया उसनों लैके भी सूबा सरकार से तंज कसया है। बहुत वड्डी जित है साडी, इह गरीबां दे हक दे विच आम आदमी पार्टी ने पहले तो नारा दिता सी कि असीं लोकां दे नाल आ, आम आदमी दे नाल। सो आम आदमियों के वजीफे के पैसे 200 करोड़ के नेड़े तेड़े जारी होए ने। साडे जिहड़े योधे ने बहादुर जिन्होंने मरण वरत रख्या, भुख हड़ताल की, कष्ट झल्लिया, मैं उन्होंने बधाई देनी चाहुंदा कि जित है और भविख दे विच वी जदों भी कोई सरकार गलत काम करूगी आम आदमी पार्टी ठट के आम लोगों का पक्ष ते आम लोगों के हक दे विच खड़ूगी ते कोई गलत काम सरकार नूं करन नूं देऊगी। इहनूं देना चाहुंदे इस तरह और कोई गल नहीं, आ 7-8 महीने बाद हरे रंग का पेन साढ़े हाथ ही होना, असी उन्हां दे हक च चलावांगे। साडा हरे रंग का पेन दिल्ली च भी अरविंद केजरीवाल की अगवाई च इत्थे भी जिथे भी हरे रंग का पेन साढ़े कोल आऊगा असी लोगों के हक चलावांगे, ना कि अपने चमचियां दे पुत पोतियां दे जां अपने MLA दे जिहड़े परिवारां दे हक जिवें इह चला रहे अपणियां नूं गफ्फे लोगों नूं धक्के। वो नौकरियां मंगण जाण डांगा पैंदियां ते कैबिनेट की मीटिंग बुला के अपने MLA दे पुत पोते नूं लभ लभ के नौकरियां दे रहे हैं, क्योंकि कैप्टन साहब नूं पता है कि आखिरी वारी है मेरी, हुण जे मैथों कुछ लैणा लै लो, इस तों बाद मेरी कोई जिंदगी च कांग्रेस की वारी नहीं होनी दोबारा बंगाल वांगू। बंगाल वाली हालत होगी इन्हां दी जो इन्होंने लोगों का हाल किया इत्थे। ये साडा कोई पहला धरना नहीं जी, असीं तां बहुत चिर पहलां तो 4.5 साल हो गए जिथे कितें जुल्म हुंदा है आम आदमी पार्टी साडे नुमाइंदे साडे वॉलंटियर साडे जिहड़े ने अहुदेदार वो उत्थे हुंदे ने। असीं आम लोगों के नाल आम लोगों के हकों की लड़ाई लड़ांगे और आम लोग जदों आम लोगों की सरकार बन जू 2022 च ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਰਫਾਸ ਖਾਣਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਬੜ ਜੂ ਬੇਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂਗੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਪੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਗਲ ਦਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ETV ਭਾਰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ।